camera. One second, just give me a second. Yeah, now. I am very excited, very nervous, very overwhelmed at the same time. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कुंडली भाग्य एक इतना फेमस और इतना लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो है और मुझे उसका एक हिस्सा बनने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आप इस शो में 20 साल के गीत के बाद आ रहे हैं, तो कुंडली भाग्य इस शो को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है और इतना सराहा है हर एक्टर्स को दैट दे मेड कुंडली भाग्य नंबर वन शो ऑफ जी टी वी. एंड अब एक 20 साल के लीप के बाद हम आ रहे हैं एक नया जनरेशन और एक नया लीप लेकर. सो आई एम रियली एक्साइटेड और इस जितनी खुशी है इस बात की उतना ही नर्वसनेस भी है क्योंकि आई मीन फैंस आर ऑलवेज अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स दे लव. एंड आई जस्ट होप कि जितना अच्छा सभी एक्टर्स ने अपना किरदार निभाया है उतने ही अच्छे से हम भी अपना किरदार निभाए और आप लोगों को उतना ही अच्छा लगे. यस, पल्की इज अ डॉक्टर एंड वो बहुत ही सेंसिबल लड़की है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही लविंग है. उससे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता. She is always out to help others and she is unfiltered and she is not rone rotakkar nahi hai wo. She wo har challenge har musibat ka samna dat ke karti hai and I think that's a lovely thing about my character. Aapke look ke bare mein kya kehna chahiye? I love my look. I absolutely love my look. This is what I personally would wear on any given day. It's मेरा लुक सब कॉटन है. इट्स ऑल कॉटन विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंट्स एंड बिकॉज पल्की कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हम इतना फैंसी कुछ करना नहीं चाहते थे. आई एम वेरी हैप्पी दैट माय क्रिएटिव्स एंड माय स्टाइलिस्ट हैव डन जस्टिस टू माय कैरेक्टर. आई लुक रिलेटेबल. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर मैं पल्की को देखूँ ऐसे लुक में तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ें मैं भी पहन सकती हूँ रियल लाइफ में. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार आपने कुंडली भाग्य और उसके कास्ट को दिया है आई होप आप उतना ही प्यार हमें भी दे पाए और उतनी ही और उतने ही प्यार से आप हमें भी एक्सेप्ट कर सके और इस लीप को आप एक्सेप्ट करें और हमारे कैरेक्टर्स को पसंद करें. बस यही चाहती हूँ मैं.